नमस्ते छात्रों, मैं पवन फुलानी। आज हम हमारा पांचवा पाठ दो लघु कथाएं, जिसके लेखक है हरि जोशी, यह देखेंगे। इसमें से हमने जो दो लघु कथाएं दी है उसका एक भाग हमने पहली तस्वीर में देख लिया है, जिसका नाम है न्यू। उसके बाद आज हम यहाँ उसका जो दूसरा भाग है, दूसरी लघु कथा है, वह देखेंगे। उसके पहले हम आपको कुछ चित्र दिखाना चाहते हैं। छात्रों, आपके सामने एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यह चित्र किसका, यह आपको अच्छी तरह से पता है। इस चित्र में जिह्वा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसके ऊपर से आपको दांत दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर दो भाग हमारे मुंह के अंदर के जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे। इसके बारे में इसकी क्या विशेषता है यह आप अच्छी तरह से जानते हो। इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है ये भी हमें अच्छी तरह से पता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग होने के बावजूद भी एकजुट एक समान कार्य करती है। जब दांत अन्न को चबाते हैं, जीवा उसका स्वाद लेती है, यानी कि एक साथ वो अपना कार्य करते हैं। लेकिन हम अगर कल्पना करें, ये दोनों हमारे शरीर के भाग अगर अलग अलग हो जाए, उनके विचार अगर अलग हो जाए, तो क्या मुसीबत आ सकती है। यह इसका वर्णन यहाँ पर हरि जोशी जी ने अपने एक छोटी सी लघु कथा के द्वारा यहाँ पर हमें बताने का प्रयास किया है। उस लघु कथा का नाम है जीप का वर्चस्व। देखो छात्रों, हम यह लघु कथा देखते हैं जिसका नाम है जीप का वर्चस्व। सबसे पहले हम इस सारांश को पढ़ते हैं। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत, तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। देखो छात्रों, यहाँ पर हमारा जीव और हमारे दांत, अगर इनका मतभेद हो जाए तो क्या हो सकता है। यहाँ पर आपने सुना कि एक दिन दांत थोड़े से गर्विष्ठ होकर जीवा से बोलते हैं कि हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक हम मजबूत हैं, तू ठहरी अकेली, अगर हम चाहे तो तुझे चबा सकते हैं, हम तुम्हें बाहर भी न निकलने दें। लेकिन इस तरह की बात यहाँ पर जीवा पहली बार सुनती है। वह हंसकर उन्हें बोलती है, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। कि आप मन से बहुत कपटी यहाँ पर दिखाई देते हो, कलुषित विचार आपके है। कलुषित यानि दूषित विचार, अविचार। और आपको पता है दांत का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। सफ़ेद यानि स्वच्छता का प्रतीक यहाँ पर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर दांत एक दिन दुस्साहसी हो जाकर जीवा को कुछ सुनाते हैं, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीव, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटा कर कहा। जीव ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की तलक रखने वाले, यहाँ पर देखो, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काली घोषित करने वाली जीभ, यह एक दुस्साहसी होकर यहाँ पर दांत जीवा को बोल रहे हैं, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं, अगर तू इस तरह से हमें बोलेगी। वाचालता यानी बोलना, तुम अपनी औकात में यानी अपनी सीमा में रहना, तुम अपनी औकात में रहो, नहीं तो हम तुम्हें
चबा सकते हैं, मतलब काट सकते हैं। तू यह मत भूल कि तू हमारे कृपा पर ही राज कर रही है। और दात उन्हें धमकी देते हैं कि तू हमारी कृपा पर ही यहाँ पर राज कर रही है, नहीं तो हम आपको चबा सकते हैं। दात यह किटकिटा कर कहते हैं, यानी गुस्से में कहते हैं। फिर भी जीभ वहाँ पर नम्रता बनाए रखती है और लेकिन उन्हें उत्तर जरूर देती है। दूसरों को चबा जाने की तलक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। उसके ऊपर नम्रतापूर्वक उन्हें उत्तर देते हैं जीव कि आप एक अवसरवादी हो, यानी कि जब आपका वक्त है तब तक ही आप एक साथ देते हो, यानी कि अवसरवादी यानी कि स्वार्थी यहाँ पर कहा गया है। तुम जब तक आदमी जवान रहता है, मनुष्य जवान रहता है, तब तक ही उसका साथ देते हो और वह बूढ़ा हो जाता है तो उसे आप छोड़ देते हो, यानी कि आप स्वार्थी हो, या ऐसा वहाँ पर जीभ दांतों को कहती है। और अगर आप ऐसे कहते हो कि जो ज़्यादा बोलते हैं वो टूटते भी जरूर है, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं, ऐसी एक चेतावनी वह दांतों को दे रही है। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे, बोले हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। देखो यहाँ पर फिर भी वह शांत नहीं बढ़ते, वह उन्हें बोलते हैं कि हमारे जड़ें बहुत मजबूत है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। थर्राना मतलब घबराना। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक ही सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। देखो उस पर फिर भी अपना विवेक बनाए रखी जीभ उन्हें उत्तर देती है कि तुम्हारी मर्यादा जो है वो मुंह के अंदर ही सीमित है, उसके बाहर आपकी कोई दुनिया नहीं है। मैं आपको कहती हूँ कि मुझ में पूरे दुनिया को प्रभावित करने या झुकाने की क्षमता है, यानी कि जिह्वा अगर किसी को कुछ कहे उस पर वह दूसरों को प्रभावित कर सकती है, दूसरों को झुका सकती है, पूरे विश्व को झुकाने की क्षमता वह जीभ रखती है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, फिर भी दांत पुनः उन्हें धमकी देते हैं कि हम सब ने तुझे घेर रखा है, तू हमसे कब तक बचेगी। और यह उसका घमंड तोड़ने के लिए वहाँ पर जीभ उनका घमंड तोड़ने के लिए उत्तर देती है कि डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। यह ऐसा सुनते ही वहाँ पर दांत थोड़े से घबरा जाते हैं कि अगर सचमुच अगर जीवा ने डॉक्टर को बुलाया और कह दिया कि इन दांतों को निकालो तो हमें निकलना ही पड़ेगा, इसलिए वह निरुत्तर हो जाते हैं, यानी कि कुछ कहने को उनके पास रहता ही नहीं। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। देखो जीभ का लोहा मतलब लोहा यानी श्रेष्ठ था, क्योंकि वहाँ पर दांतों को अपना सिर झुकाना पड़ा, उनको हार माननी ही पड़ी, क्योंकि वहाँ पर जीव ही वहाँ पर वर्चस्व अपना बनाए रखी है, क्योंकि वह कुछ भी अपने जुबान से कह सकती है और वह पूरी दुनिया को झुकाने की क्षमता भी रख सकती है। यह घमंडी दांत आखिर उसके आगे हार मान लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर जीव का वर्चस्व एक छोटी लघु कथा यहाँ पर देखी। यहाँ पर दोनों का वार्तालाप जीव और दांत यह हमने इस कहानी द्वारा सुना है। इस पर आधारित कुछ गृह कार्य है जो आपके पाठ के आगे दिए हैं, वो हम इस तरह देखेंगे। इसके पहले यहाँ पर कुछ शब्द वाटिका दी है, तगारी, तगारी मतलब बड़ा मसाला, घमेला, कलुषित यानी अपवित्र दूषित।
ललक यानी लालसा तीव्र इच्छा, अवसरवादी मतलब स्वार्थी मतलबी, बयान यानी चर्चा आवाज कथन, कुछ मोहरे या पर लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता को स्वीकार करना, रंगे हाथ पकड़ना मतलब अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ कृतियाँ दी हैं, संजाल पूर्ण करो, यहाँ पर आपको चार कृतियाँ यहाँ पर लिखनी है। चार कौन सी कृति आपको लिखनी है? दांतों की विशेषताएँ, चार विशेषताएँ आपको दांतों की लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद उत्तर लिखो, जीभ द्वारा दी गई चेतावनी, वह चेतावनी क्या है उस आशय में दी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन, दांतों में कौन सा गलत परिवर्तन आता है ये आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद विधानों के सामने चौकट में सही का जो मार्क है वो आपको दिखाई दे रहा है अथवा गलत, उसका भी मार्क यहाँ पर दिया है, वो चिन्ह है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, आपको वहाँ पर जो चिन्ह है सही गलत का वो वहाँ पर लिखना है। दूसरा, दांत घमंडी थे, क्या है वो आपको वहाँ पर सिंबल लिखना है। सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई, यह आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरह से आपको ठेकेदार पुराना था ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद चौथा है, उचित जोड़ियाँ लगाओ, बहुमंजिला उसका उत्तर क्या है, जो जोड़ी है उसकी वो कौन सी है वो आपको वहाँ पर लिखनी है। अधिकारी, नया ठेकेदार, सार्वजनिक समारोह, इस तरह से आपको चुनकर वहाँ पर लिखना है। उसके सामने उत्तर के आगे जो आपको दिया है लाइन वहाँ पर लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित शब्द के आधार पर मुहावरे लिखकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग करो, नीचे शब्द जो दिए है, नाक, दांत, गला, मुंह। उसके बाद जल के अपव्यय की रोकथाम संबंधी चित्रकला प्रदर्शनी का आकर्षण विज्ञापन तैयार करो, यह आपको विज्ञापन यहाँ पर तैयार करना है जल के अपव्यय की रोकथाम के लिए। तो छात्रों, इस तरह आपको यहाँ पर गृह कार्य पूर्ण करना है। तो छात्रों, हम यहाँ पर रुकते हैं, आप सभी अपना गृह कार्य अपने कॉपी में पूर्ण करो। धन्यवाद।